हेलो जी एंड वेलकम है सभी का मनुश्री ब्लॉग्स पर। और हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि ब्लड टेस्ट के लिए दिया था, उसी की रिपोर्ट आ जानी थी और डॉक्टर से भी मिलना था। तो रास्ते में जाते समय पेट्रोल डलवाने लगे। और हम कई बार यह सोचते हैं ना कि नज़र टोटका कोई चीज़ नहीं होती है। आप यहाँ देखिए, पेट्रोल पम्प पर भी नींबू और मिर्ची लगाया हुआ है उन्होंने, नज़र ना लगे किसी की, है ना? कितना सटीक उपाय है ना, ध्यान से देखिए आप, नींबू और मिर्ची लगाया हुआ है। और अब हम पहुंच चुके हैं टेस्टिंग लैब पर, जहां पर ब्लड का टेस्ट ही नहीं, काफ़ी टेस्ट होते हैं, आइस टेस्ट वगैरह हैं, जो भी लगभग टेस्ट होते हैं सारे ही टेस्ट यहां पर होते हैं। और उन सभी की सुविधा यहां पर थी। अरे हमारी हालत खराब हो गई। पूछिए आप, हमारा फूड रूड है ये, वेजिटेबल जूस है, एकदम स्मूथी, क्रीमी, हेल्दी। हेलो जी, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सभी? आप सभी तो स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और सभी मस्त हैं ना? प्लीज़ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया होती है, जिसमें कोई रोग ना हो वो सबसे बड़ा सुख होता है। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ, मैं खुद इन परेशानियों से जूझ रही हूँ, लगभग 2 साल से जूझ रही हूँ, 1 साल से तो ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। अभी जुलाई में मेरा ऑपरेशन हुआ था ट्यूमर का, ट्यूमर ही कह सकती हूँ मैं तो, मेडिकल भाषा में और भी चीज़ें कही जाती हैं कि ये था, लेकिन वो ट्यूमर ही था। जुलाई में ऑपरेशन हुआ है। अब फिर से डर गई थी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत दर्द कर रही थी, पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, पूरी हड्डियाँ, ये सब जॉइंट वगैरह सब दर्द कर रहे थे, बैक पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, घुटनों में दर्द था बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि जाकर हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया जाए। डॉक्टर तक मैं पहुंची और वहां पर उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट कराया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यदि ब्लड टेस्ट में नहीं आता है तो फिर आपको दूसरे ही टेस्ट कराने होंगे, जिसमें कि सीटी स्कैन भी हो सकता है, सीटी स्कैन करा लेना, लेकिन ब्लड टेस्ट से काफ़ी पता चल जाएगा। तो ब्लड टेस्ट में कुछ टेस्ट थे जिसमें लीवर, किडनी वगैरह और हीमोग्लोबिन वगैरह था, उसी के साथ साथ था विटामिन डी का टेस्ट। उन्होंने मेरे सिम्टम्स देख के कहा था कि आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है कुछ परसेंट, लेकिन फिर टेस्ट के बाद पता चलता है कि जो 35 और 40 तक होना चाहिए वो मेरी बॉडी में 8 है, 7 और 8, वो विटामिन डी मेरी बॉडी में 7 और 8 करके आया है। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि जो 35 और 40 होना चाहिए वो 8 है, तो कितनी कमी है। और उसी की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं सारे, हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से मूड भी कभी ऑफ होता है, कभी ऑन होता है, और थकान, हर समय थकान रहती है बॉडी में, बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसमें दर्द फील नहीं हो रहा हो, पूरे में दर्द फील हो रहा है। और इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत बताया है उन्होंने कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप लें, धूप यानी कि 11-12 बजे की धूप तो ज़्यादा अच्छी रहेगी इसके लिए, लेकिन फिर भी अगर सुबह में सूर्य नमस्कार किया जाता है, जैसे सुबह में होती है 7-8 बजे की जो धूप होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो हमारी बॉडी के लिए
सबसे अच्छा काम करती है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाता है वो धूप माना जाता है। तो आप धूप में, और धूप में भी ऐसे नहीं कि हम फुल कपड़े पहन के बैठ गए हैं धूप में, उससे कोई फायदा नहीं होगा अगर हम फुल कपड़े पहन के धूप में बैठेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट बॉडी का खुला हुआ होना चाहिए जिसपे सीधी किरणें पड़ें, जो भी हमारी बैक है या फिर हाथ हैं पैर हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा खुले रहेंगे उस पर धूप पड़ेगी तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो बहुत जल्दी कवर होगा। जो अब इस समय कहा जा सकता है कि 8% होने का मतलब है कि लगभग हड्डी अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। मैं खुद भी यही चीज़ फील कर रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई घुन होती है ना, जैसे लकड़ी को घुन अंदर अंदर खोखला कर दी जाती है, वैसी फीलिंग मुझे हो रही थी काफ़ी दिनों से कि अंदर से कोई ना कोई चीज़ घुन की तरह मेरे अंदर लगी हुई है और वो मुझे अंदर से खोखला कर रही है। और वो मेरा शक बिल्कुल सही निकला, जो मैंने फील किया था वो शक बिल्कुल सही निकला। मेरे अंदर विटामिन डी की इतनी कमी हो गई है कि मेरी हड्डियों को घुन के जैसी कोई चीज़ अंदर अंदर खा रही है। तो अब कोशिश करूँगी कि धूप में रहूँ, और मैं ब्लॉग सुबह ही स्टार्ट किया करूँगी। ब्लॉग का स्टार्टिंग सुबह ही होगा, धूप में योगासन के साथ होगा। थोड़ा सा सूर्य नमस्कार के सारे स्टेप मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो भी स्टेप मैं कर पाऊँगी वो मैं ज़रूर करूँगी, और उसी से मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हुआ करेगी सुबह सवेरे छत पर। क्योंकि हमारा जो घर का जो मेन गेट है, जो बाहर की तरफ धूप आती है, वो काफ़ी लेट आती है, सुबह में नहीं आती है, तो लेकिन छत पर सुबह ही धूप आ जाती है, बहुत अच्छी धूप आती है। तो मैं वहीं से ब्लॉग अपना स्टार्ट करूँगी, ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए। मुझे रेस्ट की भी ज़रूरत है, मैं रेस्ट भी करूँगी और साथ ही साथ धूप सेकने का भी करूँगी। और जो उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी हैं, कैप्सूल दिए हैं, इस तरह के इंजेक्शन हैं जो वीकनेस भी दूर करेंगे। वीकनेस भी एक बस चरम सीमा पर है वीकनेस इस समय, तो इसलिए जो भी महिलाएं मुझे देख रही हैं या जो भी बच्चे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा धूप में ज़रूर निकलें। ये नहीं कि अंदर ही अंदर रहेंगे हम, वैसे मैं अंदर नहीं रहती हूँ। मेरे पिछले ब्लॉग्स देख लीजिए आप, सर्दियों के ब्लॉग्स देख लीजिए आप, काफ़ी टाइम से ब्लॉग्स जा रहे हैं, नवंबर से जा रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी धूप में रहते हैं छत पर। सर्दी भी कितनी भी हुई है, बीच बीच में समय निकाल के हम ज़रूर धूप में गए हैं ऊपर, जितनी भी देर धूप निकली है। मुझे तो वैसे भी ये लगता है कि जैसे जादू को ऊर्जा मिलती थी ना धूप से, वैसे मुझे मिलती है, मुझे भी यही चीज़ अच्छी लगती है, सवेरे उठना, रात को जल्दी सोना, लेकिन नहीं हो पाता है। परिवार का रूटीन थोड़ा सा ऐसा है कि लेट सोना हो पाता है तो फिर लेट उठना हो जाता है, लेकिन नहीं, हमें बहुत जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, ये हमें अपने रूटीन बनाना चाहिए। विशेषकर मैं सभी महिलाओं को इस बात के लिए कहूँगी, लेडीज़ों को स्पेशली कहूँगी कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम परिवार का ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। हमारा ध्यान रखने वाला शायद ही कोई होता है परिवार में, लेकिन हमें सबका ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम बोलो लगा लो। मनुश्री पूछ रही है मैं आई शेडो लगा लूँ, बस यही रहता है, सजने संवरने का रहता है। तो कल से ब्लॉग सुबह से स्टार्ट होगा, प्लीज़ आप सब भी ज़रूर आइएगा, मेरे साथ साथ योग कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आप सब ने काफ़ी सपोर्ट किया है, वीडियो वॉच कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ब्लॉगिंग बाहर की नहीं हुई है, लेकिन कल से ब्लॉगिंग फुल होगी और सुबह से ही होगी, लेकिन मन भी थोड़ा उदास था, जब तक की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक टेंशन बनी रहती है। तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई है तो उसमें कम से कम क्लियर तो हुआ है, और जो क्लियर हुआ है ये डाउट तो मुझे था कि कुछ ना कुछ अंदर ऐसी चीज़ है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या चीज़ है। तो मतलब चीज़ नहीं, चीज़ कहना गलत होगा, इसे ये नहीं पता था कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसे चीज़ नहीं कहेंगे, क्या प्रॉब्लम कहेंगे कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम अब पता चल गई है कि ये प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बात है कि और किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ हार्मोन्स डिस्टर्ब है। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है हार्मोन्स डिस्टर्ब होना, बहुत पूरा पूरा का पूरा दिनचर्या हमारी बिगड़ जाती है इन सब चीज़ों से, पूरा का पूरा बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, चेहरे पे बहुत तेज सेक लगती है, कभी कभी मतलब नींद आ रही है लेकिन नींद नहीं आती है, थकान महसूस होती है लेकिन नींद नहीं आती है, कई बार बहुत नींद आती है, बिल्कुल ज़रूरी काम के लिए भी नहीं उठा जाता है, शरीर बॉडी बिल्कुल शून्य हो जाती है, ऐसा लगता है कि बस चारों तरफ गिरे हुए हैं। तो लेकिन इस सब के लिए सबको अपना अपना ध्यान रखना होगा, जैसी स्थिति मेरी है ऐसी किसी की नहीं होनी चाहिए। अगर जरा से भी सिम्टम्स आते हैं तो प्लीज़ टेस्ट कराइए, विटामिन डी का टेस्ट कराइए, ज़रूर बाहर निकल के डॉक्टर के यहाँ जाकर ज़रूर प्लीज़ टेस्ट कराइए, क्योंकि अगर आपकी पीठ में ये
जो कुल्ले वाली हिस्सा है, बैक साइड का कुल्ले वाला जो हिस्सा है, अगर इससे दर्द आपका शुरू हो रहा है तो 100% आपको विटामिन डी की प्रॉब्लम है। नीचे जोड़ों में, घुटनों में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, ज्वाइंट पेन कर रहे हैं, तो 100% विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी की कमी की वजह से हमारी हड्डियों तक कैल्शियम नहीं पहुंचता है। कैल्शियम बनता है बॉडी में, जो भी चीज़ आप खा पी रहे हैं, लेकिन वो हड्डियों तक नहीं पहुंच रहा है। उसके लिए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो वो प्लीज़ अपना ध्यान दें इस तरफ, 100% ध्यान दें अपना इस तरफ, कोई बड़ी समस्या ना बने, उससे पहले ही हम उसे कवर कर लें। मैं भी काफ़ी दिनों से टाल रही थी, लेकिन मुझे नहीं टालना चाहिए था, पहले से मुझे दिखा लेना चाहिए था। अब स्थिति ये हो गई थी कि दिन में 3-4 बार मैं रो ही लेती थी कि पता नहीं मेरे अंदर क्या चल रहा है, पता नहीं मेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन फाइनली ये रिजल्ट निकल के आया है कि ये प्रॉब्लम है। आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा अपने परिवार के लिए, अपने लिए, ठीक। यदि वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे और किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी नए हैं चैनल पर वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहीं आपको तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर कोई भी देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।